तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला जो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, ये फॉर्मूला अगर आप सीख जाएंगे एक्सेल में तो समझ लो कि आपका जो काम है बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। वो कौन सा फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू सम इफ फॉर्मूला। ठीक है, अब उसका यूज़ क्या होता है जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा में सेल्स का जो डेटा है ये वो डेटा है, जैसे कि कीबोर्ड जो है आपका 20 तारीख को सेल हुआ 2 पीस 300 रुपये का। ठीक है, और ये माउस सेल हुआ 5 क्वांटिटी आपका 1000 रुपये का टोटल यहाँ पे है, और एक जो आपका एक पीस का अमाउंट वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे जैसे कि यहाँ पे निकालना है कि जो मेरा कीबोर्ड है वो कितना सेल हुआ। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो कीबोर्ड है वो टोटल कितना सेल हुआ वो मेरे को निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर जैसे हेडिंग डाल देता हूँ पहले, टोटल कीबोर्ड सेल। ठीक है, ये मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू सम इफ़ का। ठीक है, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू सम इफ़ और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, रेंज का मतलब आप कौन से वाले मतलब एक तरीके से टोटल करवाना चाहते हैं, तो वो रेंज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी। तो मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर दी, मैंने इसमें बताना है कि जो मेरा कीबोर्ड है ये वाला जो कीबोर्ड है इसका टोटल मुझे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा दे करके यहाँ डुअल कोट्स में हमें क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा। क्राइटेरिया के अंदर कीबोर्ड को डिफाइन करेंगे कि मेरे को कीबोर्ड का टोटल चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे कीबोर्ड इस तरीके से टाइप कर दीजिए। ठीक है, और डुअल कोट्स क्लोज कर दीजिएगा। याद रखिएगा आप यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आप इसे डुअल कोट्स के अंदर रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर से कॉमा डालिएगा और अभी आपको इसे ये बताना पड़ेगा कि कीबोर्ड का एक्चुअल में टोटल है कहाँ पे, मतलब जैसे कि ये कीबोर्ड का टोटल 1600 ये है, एक ये कीबोर्ड का टोटल 1800 यहाँ पे है, तो मेरे को ये पूरा एड्रेस यहाँ पे देना होगा इस तरीके से। ये मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे दे दिया हूँ। ठीक है, अब आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये आपको कीबोर्ड का जो टोटल सेल है वो यहाँ पे दे देगा। देखिए मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे कीबोर्ड का जो टोटल सेल है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मेरे को ये पता करना है कि माउस का टोटल सेल कितना हुआ तो वो भी पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो अलग अलग आपको माउस दिखते होंगे, एक माउस तो ये सिंपल वाला है, एक माउस आपको यहाँ पे डेल माउस दिख रहा होगा, एक माउस आपको यहाँ पे एचपी का माउस दिख रहा होगा। लेकिन मेरे को तो सारे माउस का टोटल करना है, चाहे वो डेल का हो चाहे या फिर एचपी का हो। तो उस केस में हम कैसे टोटल निकालेंगे माउस का वो देखिए। सिंपल आपको सेम फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल्स टू सम इफ। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद वही आपको रेंज देनी है कि कौन सा वाला आपको टोटल करवाना है, तो वो सेलेक्ट कर लो और इसमें से इस पूरे टेबल में से मतलब जो हमने ये रेंज सेलेक्ट करी इस रेंज में से कौन सा वाला आपको मतलब टोटल करवाना है, तो मेरे को माउस वाला टोटल करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा डाल के हम रेंज में क्या डिफाइन करेंगे, माउस डिफाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे सिर्फ और सिर्फ अगर मैं यहाँ पे माउस लिख दूंगा तो सिर्फ ये जो सिंपल वाला माउस है यही टोटल होगा, डेल और एचपी वाले माउस टोटल नहीं होंगे। तो उस केस में मेरे को क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे एक स्टार लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, स्टार, डुअल कोट भी लगाना है और स्टार भी लगाना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा माउस और फिर स्टार को क्लोज करेंगे और डुअल कोट्स को भी ऐसे क्लोज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगा करके आप यहाँ से जो टोटल है माउस का पूरे टेबल में वो यहाँ पे आप दे दीजिए। ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके सभी माउस का टोटल हो जाएगा। देखो कितना आया, 4250। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं इसे सही से कैलकुलेट भी आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि एक माउस तो ये है, ठीक है, यहाँ मैंने प्लस किया, दूसरा माउस ये रहा आपका, ठीक है, इसको भी मैंने प्लस कर लिया, और ये डेल और एचपी वाले भी हैं तो इनको भी मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लस ये एचपी वाला और एक ये 600 वाला ये भी है। ठीक है, मैंने सारे माउस ले लिए जितने भी थे यहाँ पे और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो कितना आया, 4250। मतलब देखा यहाँ पे आपने, यहाँ पे हम ऐसे एक कई कर दे तो कितना लंबा फॉर्म लगता। ठीक है, और यहाँ पे हमने सिर्फ सम इफ फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे टोटल माउस का इसने टोटल करके हमें दे दिया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको ये फॉर्मूला लगा होगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।